अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम के मैप का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली हमने के मैप की एग्जांपल्स देखी थी, थ्री वेरिएबल के मैप की और टू वेरिएबल के मैप कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे फोर वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो फोर वेरिएबल के मैप की प्लेसमेंट देखेंगे और फिर कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप को किस तरीके से इसमें बनाए जा सकते हैं और कौन से वैलिड ग्रुपिंग है और कौन से तरीका से जो ग्रुप बनाया जाएगा वो इनवैलिड कंसिडर होगा। तो चूंकि फोर वेरिएबल के मैप है तो 2 to the power 4 मीन 16, तो फोर वेरिएबल में 16 सेल का के मैप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फोर वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया गया है डब्ल्यू एक्स वाई जी से। तो आपके सामने जो नीचे के मैप है उसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड की मैपिंग है। अब चूंकि फोर वेरिएबल है तो आपके पास जो के मैप है वो एक तरीके से स्क्वायर ही बन जाएगा, जिसमें फोर रॉज एंड फोर कॉलम होंगे। फोर रॉज एंड फोर कॉलम टोटल 16 सेल्स बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे टू रैप अराउंड हैं। प्रीवियसली जो रैप अराउंड हो रहा था वो हमारी लास्ट टू कॉलम्स का रैप अराउंड होता था, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो नीचे लास्ट टू रॉज का भी रैप अराउंड हो रहा है। सॉरी, रैप अराउंड कह रहा हूँ, लास्ट टू रॉज की भी स्वैपिंग हो रही है और रैप अराउंड भी दो तरफ से है, रॉ वाइज भी हो रहे हैं और डेफिनेटली कॉलम वाइज भी हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिक्स कर गया, रैप अराउंड भी हो रहे हैं और साथ साथ स्वैपिंग भी हो रही है। मैं अभी जो आपको बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ स्वैपिंग की। ठीक है, स्वैपिंग की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीवियसली हमने देखा था कि लास्ट टू कॉलम्स हमारी स्वैप हो जाती थी, यानी नंबरिंग जब मैं प्लेस करता था तो पहले आता था 1 0 1, फिर उसके बाद 2 और 3 आपस में स्वैप हो जाते थे, फिर अगली रॉ में आते थे तो 4 5 6 और 7 स्वैप हो जाते। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दें तो लास्ट की टू रॉज भी स्वैप हुई हुई है, सिर्फ कॉलम स्वैप नहीं हो रहे बल्कि रॉज भी स्वैप हुई है। तो अगर आप देखें तो M8 थर्ड रॉ के बजाय फोर्थ रॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो M8 थर्ड रॉ के बजाय फोर्थ रॉ में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वही है, M8 के बाद 9 आया, 9 के बाद 10 और 11 ने फिर स्वैप कर दिया अपने आप को। फिर इसी तरह जो है फिर सबसे लास्ट में थर्ड वाली रॉ फिल हो रही है, उसमें क्या है 12 13 और 12 13 के बाद फिर वही 14 और 15 ने एक दूसरे को स्वैप कर। तो इसमें सिर्फ देखने वाली बात या अंडरस्टैंड करने वाली बात यही है कि कॉलम के साथ साथ इसमें आखिर की दो रॉज भी स्वैप हो जाती है, यानी पूरे के पूरे रॉज में जो भी प्लेसमेंट है कॉलम वाइज तो चल ही रही है। कॉलम वाइज तो आप देख ही रहे हैं कि आखिर के दो इंटरचेंज हो रहे हैं, 2 और 3 इंटरचेंज हो गया, 6 और 7 इंटरचेंज हो गया, 10 11 इंटरचेंज हो गया, 14 15 इंटरचेंज हो गया। लेकिन रॉ वाइज भी देखें तो पूरी की पूरी रॉ भी इंटरचेंज हुई है नीचे, और उससे क्या हुआ है कि 8 9 10 11 वाली रॉ बाद में आ रही है, 12 13 14 15 वाली रॉ पहले आ गई है। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपने, ठीक है, तो ये ध्यान क्या रखना है कि ये भी इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात है। नंबरिंग को आप क्लियरली देख सकते हैं, नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, पहले आता है M0, फिर आता है M1, फिर वही बात है ये दोनों इंटरचेंज, M2 आता है लास्ट में, देन M3 आता है सेकंड लास्ट में, फिर रॉ चेंज M4 M5 एंड 6 एंड 7 इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 6 आता है लास्ट में, 7 आता है सेकंड लास्ट में। और अब फिर वही वाली बात कि जैसे कॉलम चेंज हो रहे थे तो रॉ चेंज हो गए, तो 8 इधर नहीं आएगा बल्कि 8 यहाँ चला जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और फिर वही बात दो लास्ट की कॉलम चेंज तो 10 लास्ट में चला जाएगा, 11 सेकंड लास्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है लास्ट और सेकंड लास्ट रॉ से इंटरचेंज हुए हैं तो लास्ट फिल हुई है, तो अब सेकंड लास्ट की बारी है, तो सेकंड लास्ट में आएगा M12 M13, फिर लास्ट के टू चेंज हो जाएंगे कॉलम्स, तो M14 पहले लास्ट में आएगा, फिर M15 जो है आपका सेकेंड लास्ट में। तो इसकी प्लेसमेंट ऐसे है। अब अपने आपको आपने मेंटली ट्रेन ऐसे करना है कि प्लेसमेंट आप इसके अंदर कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्लेसमेंट जाहिर सी बात है जब आप शुरू में टेबल बनाएंगे या ट्रुथ टेबल होगा वो होगा बाइनरी, तो बाइनरी से इस टेबल के अंदर कैसे फिल करना है उसके लिए आपको जहन को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेनिंग होगी प्रैक्टिस से। और आपने अगर देखा हो कि मैंने प्लेस तो इसके अंदर कर रहा हूँ के मैप में, लेकिन मैंने सीक्वेंस बाइनरी रखी, पहले मैंने M0 लिखा फिर M2 M3, इसलिए कि जब आप के मैप में प्लेस करूंगा ना तो आपको ये ध्यान रखना है पहले ये वाला सेल फिल होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, बाइनरी के रिस्पेक्ट से। तो मैंने प्लेसमेंट बाइनरी के रिस्पेक्ट से बताई है, वरना के मैप में तो बड़ा आसान था, मैं सब सीक्वेंस से फिल कर देता था,
लेकिन सीक्वेंस में फिल करता हूँ तो फिर बाइनरी और इसकी सीक्वेंस याद रखना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे आगे एग्जांपल आती जाएंगी और बताते जाऊँगा फिलिंग की टेक्निक्स, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्लेसमेंट का ऑर्डर तो मैंने बाइनरी रखा है, लेकिन इसके अंदर जो प्लेसमेंट हो रही है वो ग्रे कोडेड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात क्या बताए थे, अब यहाँ पे दो तरीके के रैप अराउंड, दो तरीके के रैप अराउंड का मतलब ये है कि इसमें एक हॉरिजेंटल रैप अराउंड भी है, इसमें एक वर्टिकुलर रैप अराउंड भी है। यानी अगर मैं इधर एम जीरो की ही बात कर लूँ, से एम जीरो के नेबर की बात की जाए तो एम जीरो के कौन कौन से नेबर होंगे, यहाँ पे एम जीरो का एक नेबर होगा M1, एक नेबर होगा M4 और एक नेबर तो आपको पता ही है प्रीवियसली था M2, लेकिन अब इसका एक और नेबर भी होगा जो वर्टिकल रैप अराउंड पे आएगा, वो कौन सा होगा, M8। अब इसमें चार नेबर्स क्यों होंगे, क्योंकि फोर वेरिएबल के मैप है तो हर सेल के पास चार नेबर्स होंगे ही होंगे, और इसका फोर्थ नेबर कौन सा बनेगा, M8 बनेगा। और वेरीफाई कर सकते हैं हम किस तरीके से, हम वेरीफाई कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली किया था, कि मैं लिख लेता हूँ M0 का कोड, यहाँ पर M0 का कोड है मेरे पास 0000, ठीक है। इसके लेफ्ट पे क्या मौजूद है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि इसके लेफ्ट पे मौजूद है M2, तो M2 का कोड क्या है, 0010, ठीक है, और ये लेफ्ट पर आ गया इसके, ठीक है, और इसके राइट पर क्या आ गया, इसके राइट पर आ गया है जी M1, और M1 का कोड क्या है, 0001, ठीक है। इसी तरह इसके टॉप पर भी एक नंबर आ गया, टॉप पे इसके नंबर आ रहा है M8 कह रहा हूँ, M8 का अंदर 1000, और इसी तरह इसके बॉटम में भी एक नंबर आ रहा है, और बॉटम में क्या आ रहा है, 4, और 4 का कोड होता है 0100, ठीक है। ये सारे कोड मैंने लिख दिए, अब हम चेक भी कर लेते हैं कि सारे एडजेसेंट हैं या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं ऊपर नीचे वाले उनको, तो 4 की अगर बात की जाए तो 4 तो मुझे पता ही है कि इससे एडजेसेंट है ही है 4, और इसमें देखें तो सिर्फ इस बिट का डिफरेंस आ रहा है 4, और इसमें देखा जाए तो सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है, ये देखें ये 1 है, ये 0 है नेबर, बाकी सब बिट सेम, ठीक है। इसी तरीके से राइट वाले को चेक करें, ऑब्वियस है वो तो, खैर ये देखें ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, सिर्फ इस बिट का डिफरेंट है तो ये एडजेसेंट है नेबर। फिर इसी तरीके से अब मुझे वर्टिकल और हॉरिजेंटल रैप अराउंड चेक करना है, हॉरिजेंटल रैप अराउंड आपको याद होगा हमने चेक किया था प्रीवियसली, ये देखें ये 1 है, ये 0 है, तो ये भी ठीक है, ये भी नेबर है, इतना हम पहले कर चुके हैं। अब वर्टिकल रैप अराउंड की बात करें तो ऊपर वाले को मुझे देखना है, और ऊपर वाले को कैसे देखेंगे कि ऊपर वाले में ये देखें इसमें आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 0, बाकी सब बिट सेम है तो इसका मतलब ये भी नेबर है। तो इस वक्त M8, M4, M1 और M2 सब के सब जो हैं नेबर हैं किसके, M0 के, क्योंकि सब एडजेसेंट हैं M0 के साथ, क्योंकि सब सिंगल बिट के डिफरेंस में हैं M0 के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ, M1 नेबर है M0 का एंड वाइस वर्सा, M4 नेबर है M0 का एंड वाइस वर्सा, M8 नेबर है M0 का एंड वाइस वर्सा, M2 नेबर है M0 का एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये भी आपस में नेबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेबर है, ये नेबर नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि ये इसके साथ नेबर है, ये नेबर नहीं है। नेबर होने के लिए सिंगल बिट का डिफरेंस होना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं बन रहा, ये सिंगल बिट का डिफरेंस ना इसमें है ना सिंगल बिट का डिफरेंस इसमें है, ये आपस में नेबर नहीं है, सबके सब नेबर हैं 0 के साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सबके सब नेबर्स हैं 0 के साथ, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे 0 वाला केस मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया, आप किसी की भी बात कर लें, आप M15 की बात कर लें, से आपने M15 लिया तो इसके नेबर्स क्या होंगे, 7 होगा, 14 होगा, 13 होगा और 11 होगा। आप कोई भी सेल उठाएं उसके जस्ट इमीडिएट अप, इमीडिएट डाउन, इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट, ये नेबर कहलाएंगे, डायगनली नेबर्स नहीं होते, ये नेबर नहीं होगा, ठीक है, ये नेबर नहीं होगा, ये नेबर नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल बिट डिफरेंस पे नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप M15, M16 इनका कोड चेक कर लें आप, ठीक
किसी भी डायगनल वाले एलिमेंट का कोड चेक कर लें, वो सिंगल बिट डिफरेंस पे नहीं होगा। से अगर मैं चेक करके आपको बताना भी चाहूँ, M15 का कोड होता है मेरे पास 1111 और M6 का कोड होता है मेरे पास 0110, तो क्या आपको ये सिंगल बिट कोड डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें? बताइए क्या इसमें सिंगल बिट का डिफरेंस है? नहीं, इसमें दो बिट चेंज हो गई है, पहली वाली और लास्ट वाली दो बिट चेंज होने का मतलब ही यही है कि ये नहीं पर नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लास प्लेसमेंट के में फोर वेरिएबल के में आपकी प्लेसमेंट क्लियर है, इसमें रैप अराउंड की बातें क्लियर है? जी क्लास, फीडबैक रिक्वायर्ड है आप लोगों का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गए फोर वेरिएबल के मैप की प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसमें भी बताया जा रहा है बेस्ड ऑन यूनिफाइंग थ्योरम ए प्लस ए बार इक्वल्स टू वन। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस ए बार के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ए की जगह डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार भी हो सकता है, एक्स प्लस एक्स बार भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही प्रिंसिपल यूज होता है कॉमन लेने वाला, और के मैप के अंदर ये एम्बेडेड है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इन अ के मैप ईच सेल कंटेन्स अ वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ मिन टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, ये अभी बाद में बताता हूँ क्या है। ईच ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल कंटेन वंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रुप मस्ट हैव साइज ऑफ 1, 2, 4। इट रिपीट हो रही है वही बात जो प्रीवियस लेक्चर में बताई गई, ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट स्क्वायर इलिमिनेट। अच्छा, ये काम की बात है, कह रहे हैं अगर आपने दो सेल्स को ग्रुप किया तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। आपने चार को ग्रुप किया, देखें पावर ऑफ टू में चल रहा है, तो दो के बाद चार आएगा, दो के बाद तीन नहीं आएगा। चार सेल को ग्रुप किया तो दो वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएंगे, आठ को ग्रुप किया तो तीन वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। जितना बड़ा टू की पावर में आप ग्रुप बनाएंगे उतना छोटी आपके पास प्रोडक्ट टर्म आएगी, और जितनी छोटी प्रोडक्ट टर्म आएगी इसका मतलब उतना कम हार्डवेयर लगेगा। ग्रुप्स एस मैनी स्क्वायर एस पॉसिबल, जितने ज्यादा स्क्वायर बना सकते हैं आप बनाए। द लार्जर द ग्रुप द फ्यूअर द नंबर ऑफ लिटरल, ये ऊपर बताया ना कि चार का ग्रुप बनाएंगे तो दो टर्म रह जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, आठ का बनाएंगे तो तीन रिमूव हो जाएंगे, तो जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतनी ही कम लिटरल रह जाएंगे, और कम लिटरल होना इज बेटर क्योंकि उससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। और सेलेक्ट एस फ्यू ग्रुप्स एस पॉसिबल टू कवर ऑल द स्क्वायर, और जितने कम आप ग्रुप्स बनाएंगे, देखो दो बातें कह रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ ग्रुप बनाओ तो बड़े से बड़ा बनाओ, ठीक है, लेकिन आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स का मतलब है मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म्स, तो जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा ग्रुप बनाएंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट टर्म हो जाएंगी, तो कह रहे कोशिश करें कम से कम ग्रुप में सारी टर्म कवर कर लें, तो कम से कम ग्रुप का मतलब है कम से कम प्रोडक्ट टर्म। तो हम यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं कम से कम ग्रुप बनाकर, और जो भी ग्रुप बनाए उनको इतना बड़ा बनाए जितना बड़ा बना सकते हैं, और जितना बड़ा ग्रुप बनेगा तो लिटरल रिड्यूस हो जाएंगे, तो बड़ा ग्रुप बनाने से लिटरल कम होते हैं और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कम रखने से आपकी प्रोडक्ट टर्म्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं ज्यादा ऊपर वाली चीज नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप अच्छे से फेमिलियर है इससे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते तो मैं के मैप पे फोकस करूँ। यहाँ पे क्या था कि एक फंक्शन गिवन था ऐसे, ठीक है भाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, ये ट्रुथ टेबल से देख के इसकी पूरी इक्वेशन लिख दी गई इन कैनोनिकल फॉर्म, और ये फिर फाइनली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी गई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने बताया था काम करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है भाई 4, 5, 10, 11, 14, 15, और ये मिन टर्म्स है, मिन टर्म्स का मतलब है यहाँ पे आपका आउटपुट 1 होगा, तो मुझे के मैप के अंदर इन इन पोजीशन पे 1 प्लेस करना है, के मैप पे मुझे इन इन पोजीशन के अंदर क्या प्लेस करना है, 1 प्लेस करना है। तो के मैप की मैंने पोजीशनिंग याद है मुझे क्या थी, ये भाई होता था, मैं आपकी आसानी के लिए नंबर डाल देता हूँ, ये होता था 0, ये होता था 1, ये होता था 2, और फिर ये होता था 3, ठीक है, फिर ये होता था 4, मैं कॉर्नर पर सिर्फ नंबरिंग डाल रहा हूँ M0 M1 के साथ, ये होता है 5, सिर्फ शुरू की एग्जांपल है इसलिए डाल रहा हूँ, ये एंड में 6 और 7 इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर 8 यहाँ चला जाता था, रॉस भी इंटरचेंज होती, 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ होता है, ठीक है, 11 यहाँ होता है,
11 इंटरचेंज, 12 यहाँ आता है क्योंकि रॉ इंटरचेंज हुई थी, 13 यहाँ आएगा, 14 यहाँ आएगा क्योंकि रॉ कॉलम इंटरचेंज, और यहाँ 15। ठीक है, अब ये सब नंबर आपकी आसानी के लिए लिख दिए गए। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 4 पर, 5 पर, 10 पर, 11, 14, 15 पर 1 प्लेस करना है। तो ये देखें, 4 पर 1 लिख लिया मैंने, 5 पर भी 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 10 पर लिखना था, ये 10 पर भी आ गया। उसके बाद 11 पर लिखना था, ये 11 पर भी आ गया। उसके बाद 14 पर लिखना था, ये 14 पर भी आ गया। उसके बाद 15 पर लिखना था, ये 15 पर भी आ गया। ठीक है, मैंने सारी जगह पे 1 प्लेस कर दिया। और कह रहे हैं सेल विथ सेल जो एम्प्टी है उसका, उसके अंदर एक्चुअली जीरोज हैं, क्लैरिटी के लिए सिर्फ शो नहीं करें, लेकिन जहां पे कुछ नहीं है वो सब के सब जीरोज हैं, यानी 1 की एब्सेंस शो कर रही है, जीरो। ठीक है, तो मैंने ये 1 प्लेस कर दिए। अब कह रहे हैं आप ग्रुप करें, एडजेसेंट सेल के साथ ग्रुपिंग होती है इसे, आप बताएं मुझे इसमें कैसे ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, क्लैरिटी के लिए मैं ये नंबर्स अब हटा देता हूँ, आपको पता तो लग गया ना मैंने 4, 5, 10, 11, 14, 15 पे प्लेस किया है। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब कह रहे हैं आप ग्रुप बनाओ। ठीक है, ग्रुपिंग हमेशा मैंने क्या बताया, 2 की पावर में, और ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट सेल की होगी। अगर मैं इन दोनों सेल्स को देखूँ, ठीक है, इन दोनों सेल्स को देखूँ तो ये दोनों सेल एडजेसेंट हैं, मैं इनको मिला के एक ग्रुप बना सकता हूँ ऐसे, ये ग्रुप बन गया। और ये ग्रुप परफेक्टली फाइन है क्योंकि ये 2 की पावर में यानी 2 है। अब इसके दाएं पे कुछ नहीं है, इसके बाएं पे कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा ग्रुप मैं बना नहीं सकता। ठीक है, इससे बड़ा ग्रुप मैं बना ही नहीं सकता। अच्छा, इनको नीचे वालों को देखें तो बताएं कैसे ग्रुप कर सकता हूँ मैं, नीचे वाले को ग्रुपिंग बताएं। आप एम की टर्म में बता दें किस किस का ग्रुप मैं कर सकता हूँ, आप बता दें से M10 N11 का हो जाएगा या M14 M15 का हो जाएगा ऐसे। अच्छा, एक आंसर मेरे पास आ रहा है सर 10 11 का ग्रुप कर दें, चले मैंने माना 10 11 का मैंने ये ग्रुप कर दिया। और दूसरा ग्रुप, टेन इलेवन का ग्रुप बना दिया, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जवाब आ रहे हैं मिक्स, लेकिन पहले मैं वो जवाब लेता हूँ जो आपको समझने में आसानी रखे। तो क्या सवाल आ रहा है, कोई कह रहे हैं सर ऊपर के 2 का ग्रुप बना दें और नीचे के 2 का ग्रुप बना दें, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि मैं, ये सब एडजेसेंट है ना एक दूसरे की, मैं इन चारों का ही ग्रुप बना दूँ, क्योंकि अभी मैंने बात बताई थी ना, जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना बेहतर है, जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना बेहतर है। साथ साथ अगर 1 मौजूद है, एक साथ है, क्लस्टर में है, तो मैं उनका ग्रुप बना सकता हूँ। तो इट मीन्स बेहतर होगा कि मैं ये अलग अलग ग्रुप बनाने के बजाय एक ही बड़ा सा इनका ग्रुप बना दूं, क्योंकि सब एक साथ मौजूद हैं, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है, ये सारे 1 एक साथ हैं, तो मैं इनका बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये बड़ा वाला ग्रुप बनेगा। मैं 2-2 के एक साथ ग्रुप क्यों बना रहा हूँ, मैं 4 का एक बड़ा ग्रुप क्यों ना बना दूं, तो ये मैंने 4 का ग्रुप बना लिया। अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये 4 के साथ अब इस 2 को भी मिला के 6 का ग्रुप बना लेते, तो अब मुझे आप बताएं कि मैं कैसे मिला सकता था। मैं 4 के साथ इन 2 को नहीं मिला सकता था, क्योंकि ना यहाँ पे कोई 1 है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई 1 है, मैं किस तरीके से इस ग्रुप के साथ मर्ज करूँ अपने आप को, बीच में तो गैप है और डायगनली मैं जा नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से इस ग्रुप के साथ मैं इस ग्रुप को मर्ज नहीं कर सकता। बेस्ट पॉसिबल यही हो सकता था कि 4-1 को एक साथ ग्रुप कर दूं और ये 2-1 को एक साथ ग्रुप कर दूं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, ग्रुप तो मैंने बना लिया, अब क्या फायदा होगा इससे, चलें अब इसके फायदे पर आते हैं। अच्छा, फायदे के लिए मैं थोड़ा सा के मैप को यहाँ पे रीराइट करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रिफर करता हूँ कौन सा वाला के मैप, जो बार्स की फॉर्म में लिखा होता है, यानी मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ऐसे, ये है मेरा वाई बार, जेड बार, और ये है मेरा वाई बार जेड, और ये है मेरा वाई जेड, और ये है वाई जेड बार, ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और दूसरा ये वाला भी है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, डब्ल्यू एक्स है ना,
तो डब्लू बार एक्स बार, डब्लू बार एक्स, डब्लू एक्स, डब्लू एक्स बार। ठीक है, मैंने इसको 0 1 के बजाय इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होगा भी आपको खुद ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो लिख लिया मैंने, बजाय थोड़ा सा वो लैब दिखाई दे रहा है लेकिन काम चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन चाहिए, यानी एफ की मुझे सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए। तो एफ की सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे आएगी उस पर चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस ऊपर वाले ग्रुप की। ऊपर वाले ग्रुप को मुझे चेक करना है कि रॉ वाइज और कॉलम वाइज में चेक करने कॉमन कॉमन क्या आ रहे हैं। अगर मैं रॉ वाइज चेक करता हूँ तो ये चूंकि एक ही रॉ में मौजूद है, तो रॉ में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा इसका आंसर बन जाएगा डब्लू और एक्स की फॉर्म में। यानी रॉ वाइज इस ग्रुप का जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है डब्लू बार एक्स। ठीक है, रॉ में से इसमें से ये पिक हुआ। कॉलम वाइज चेक करना है तो कॉलम चूंकि एक से ज्यादा है तो मुझे इन दोनों टर्म में कॉमन चेक करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, क्या चीज कॉमन है जी क्लास, क्या चीज कॉमन है कॉलम वाइज। वाई बार जेड है कॉलम और वाई जेड बार है, तो कॉलम में क्या चीज कॉमन है। क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कॉलम वाइज कौन सी टर्म्स इसमें कॉमन है। वाई बार, ठीक है, और आप समझ गए कि वाई बार कॉमन निकाल लूंगा तो जेड बार प्लस जेड जो है वो तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, वाई बार। तो पहले वाले ग्रुप का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया, ये डब्लू बार एक्स वाई बार, ये पहले वाला आंसर मेरे पास आ चुका है। यानी एफ इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई थी ना इतनी बड़ी सी, सिंप्लीफाई होकर आना शुरू हो गई। उसकी पहली टर्म आ रही है डब्लू एक्स वाई बार, और दो ही टर्म आएंगी इसमें क्योंकि मेरे पास टोटल 2 ग्रुप्स हैं। अब यही काम मैं अगर दूसरे वाले ग्रुप के लिए करना चाहूँ, यानी ब्लू वाले ग्रुप के लिए, तो ब्लू वाले ग्रुप में भी देखा जाए तो 2 रॉस कवर हो रही है, 2 कॉलम्स कवर हो रही है। रॉस में अगर देखा जाए तो ये 2 रॉस आ रही है, इन 2 रॉ में कॉमन चेक करना पड़ेगा मुझे, और ये 2 कॉलम्स आ रही है, इन 2 कॉलम्स में मुझे कॉमन चेक करना पड़ेगा। तो बताइए जरा रॉ वाइज क्या कॉमन है, डब्लू एक्स और डब्लू एक्स बार, क्या चीज कॉमन निकल रही है। डब्ल्यू कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है, वाई जेड, वाई जेड बार में से, वाई जेड प्लस वाई जेड बार में से क्या कॉमन निकल रहा है, वाई कॉमन निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि जेड और जेड बार अपोजिट है वो रह जाएंगे वाई कॉमन, तो इसमें से मेरा वाई कॉमन निकल रहा है। तो इस वाले ग्रुप की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, डब्ल्यू एंड वाई, दैट्स इट। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। और आपने देखा कि मुझे एलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जितने एफर्ट करने पड़ते थे वो एफर्ट इसमें नहीं करने पड़े। मेरा आंसर ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, ये जो यहाँ लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, इससे रिड्यूस होकर ये बन गया कितनी आसानी से। और ये बड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं और टोटल 5 लिटरल्स हैं। और ऊपर वाली इक्वेशन की अगर बात की जाए तो उसमें 6 टर्म्स थी और हर टर्म में कितने लिटरल थे, 4, तो 6 4s आर 24 लिटरल्स थे। तो 24 लिटरल से रिड्यूस होकर मैं पहुंच चुका हूँ 5 लिटरल पे, तो ये अच्छा खासा कॉस्ट मेरा रिड्यूस हो जाएगा इससे, होगा कि नहीं। तो मेरा अच्छा खासा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और ये देखें कितनी क्विकली हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें, आसानी से हो गया। सिर्फ मुझे क्या करना है, ग्रुप बनाना आना चाहिए, बस शर्त है कि मुझे ग्रुपिंग सही से करनी आनी चाहिए। और आपको के मैप में प्रैक्टिस यही करनी है कि ग्रुप कैसे बनाना है और क्या। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, ये 2 प्रोडक्ट टर्म आई है, एक प्रोडक्ट टर्म में 3 लिटरल आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट टर्म में 2 लिटरल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो ग्रुप, जिस ग्रुप में ज्यादा वंस हैं उसके लिटरल्स कम आते हैं। अभी पीछे बताई ना कि बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो लिटरल कम से कम होते चले जाएंगे। तो 4 1 वाले ग्रुप में सिर्फ 2 लिटरल आ रहे हैं, 2 1 वाले ग्रुप में 3 लिटरल आ रहे हैं। अब फर्ज करें एक और मैं ग्रुप बना देता जिसमें 8 1 आ रहे होते, अगर 8 वंस का मैं ग्रुप बनाता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटरल रह जाता।
तो ये मोटिवेशन है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की, कि जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतने कम लेटरल आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बड़े ग्रुप के कम लेटरल आए यानी दो, और छोटे ग्रुप के तीन लेटरल आए हमारे पास, ये इस वजह से। तो ये के मैप से सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये कितना सिंपल है, अगर आपको बस थोड़े बहुत ग्रुपिंग वगैरह के रूल्स प्लेसमेंट याद हो जाए तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से तरीका बहुत आसान, ठीक है। एग्री करते हैं इस बात से, ये आसान है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से, बट इट इट टेक सम प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस तो जरूरी है, कोई भी नई चीज सीखते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई है? ये इक्वेशन कैसे निकाली मैंने, सिर्फ कॉमन लेना है कॉलम वाइज और रो वाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ और यही सोल्यूशन, अच्छा इक्वेशन आप लोगों की, बल्कि मैं क्लियर पूरा नहीं करता, अगले स्लाइड पे कुछ इक्वेशंस हैं तो मैं वहां से कंपेयर करा दूंगा, या एक काम करता हूँ इस इक्वेशन को मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन आई है मेरे पास, फाइनल आंसर जो आया है W, फाइनल आंसर जो F का मेरे पास आ रहा है वो W बार X Y बार प्लस W Y, ठीक है। ये मेरा आंसर है, मैंने साइड पे लिख लिया। और पहले से क्यों लिखा मैंने, पहले तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, सब क्लियर कर देता हूँ और अब दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आंसर मेरा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ कि अगर ये काम मुझे अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से करना पड़ता तो क्या होता। अच्छा अभी तो बल्कि इन्होंने सॉल्व करके ग्रुपिंग करना बता दी, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो सॉल्व किया हुआ है राइट हैंड साइड पे, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हुई हुई है। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन क्या हुई हुई है, सिर्फ आपको क्या करके बताया हुआ है कि ग्रुप बनाने के बाद एक्चुअली हुआ क्या, ये बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर इन दोनों टर्म्स को मैं पूरा पूरा भी लिख लेता हूँ तो जेड बार क्यों रिमूव हो गया, इस थ्यूरम की वजह से रिमूव हो गया। और अगर ये चारों टर्म्स को मैं लिख लेता हूँ तो इधर से जेड बार क्यों रिमूव हो गया, इस थ्यूरम की वजह से, ठीक है। और फिर आगे चल के एक्स बार क्यों रिमूव हो गया, एक्स और एक्स बार इस थ्योरम के, और इवेंचुअली जो रिजल्ट बचा है वो यही बचा है, ये देखें जो लिखा हुआ है डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स वाई, ये बैकग्राउंड में जो वर्किंग हो रही है के मैप की वो बताई गई है, और ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि कॉमन लेकर आप लिख लेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा होता है, अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करते तो ये कॉमन कॉमन लेते लेते आप इस स्टेप पे पहुंच जाते, लेकिन अब हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे स्टेप्स और मैनिपुलेशन करनी पड़ती तो फिर के मैप का कोई फायदा नहीं है। मैं डायरेक्टली इस स्टेप के बाद यहाँ चला जाऊंगा, ये जो ये स्टेप आंसर लिखा हुआ जी। बस बेटा मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि के मैप से मेरे पास आंसर डायरेक्टली आ जाते हैं, मुझे ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ ग्रुप डब्ल्यू डब्ल्यू बार एक्स वाई बार एंड डब्ल्यू वाई रिप्रेजेंट द सम ऑफ मिन टर्म, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूँ कि हर ग्रुप जो है एक प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो भी जाहिर सी बात है वंस कवर हो रहे हैं वो उसके लिटरल्स हैं। लार्जर ग्रुप कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रोडक्ट टर्म ऑफ फ्यूअर लिटरल्स, ये बात अभी मैंने आपको बताई, जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतने कम लिटरल आएंगे। एक सेल होगा और चार वेरिएबल की बात हो रही है तो चार ही के चार लिटरल आ जाएंगे, चार वेरिएबल में अगर दो का सेल बनाएंगे तो तीन लिटरल आ जाएंगे, चार वेरिएबल में चार का सेल बनाएंगे तो दो लिटरल आ जाएंगे, आठ का सेल बनाएंगे तो एक लिटरल आ जाएगा, और 16 के 16 बनोगे तो आंसर डायरेक्टली वन हो जाएगा, यानी ऑल वंस, तो रिजल्ट विल बी वन। ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा था ना कि सारे के सारे वन हो जाएंगे तो वन ही आएगा आंसर। ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल है कि ये सब ग्रुपिंग सही है क्योंकि सब एडजेसेंट वंस के दरमियान हो रही है, ठीक है। इसमें से ये वाला आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सारे के सारे एडजेसेंट हैं और शेयरिंग अलाउ है, इस इन दो ग्रुप्स में देखें शेयरिंग हो रही है, ये वाले दो वन जो हैं शेयर हो रहे हैं, ये परफेक्टली वैलिड है। शेयरिंग आप कर सकते हैं अगर आपका ग्रुप बड़ा बन रहा है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। और ये वाला ग्रुप कैसे बन रहा है, रैप अराउंड से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पे रैप अराउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये अलाउ है, ये ग्रुप इन पावर ऑफ टू है, ये ग्रुप भी इन पावर ऑफ टू है, ये ग्रुप भी इन पावर ऑफ टू है, और शेयरिंग के साथ परफेक्टली बने। आप इस स्टाइल में भी ग्रुप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है स्क्वायर बने हमेशा, हो सकता है इस तरह का भी बन जाए,
लेकिन ध्यान रहे ये भी पावर ऑफ इन टू है, चार वन है, चार परफेक्टली वैलिड एंड पावरफुल। आप इस तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, दो हिस्सा इधर मौजूद हैं, दो हिस्से इधर मौजूद हैं, ये भी परफेक्टली वैलिड ग्रुप है। नहीं, सिक्स का नहीं बना सकते क्योंकि सिक्स टू की पावर में नहीं आता, ठीक है, या तो एट का बनेगा या फोर का बनेगा या सिक्सटीन का बनेगा, लेकिन सिक्स का ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए फोर फोर के दो बनाए, क्योंकि सिक्स का ग्रुप नहीं बना सकते आप, ठीक है, सिक्स का ग्रुप रूल्स के खिलाफ है केएमएफ के, ठीक है। फोर फोर के दो बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है, सिक्स का ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है, सिक्स का ग्रुप नहीं बनेगा। मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप हमेशा इन पावर ऑफ टू होंगे, तो ये देखें परफेक्टली इन पावर ऑफ टू है, फोर है, ये वाला भी इन पावर ऑफ टू है, देखो दो 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 इधर लिए हुए और दो इधर लिए हुए, इस तरीके का ग्रुप भी बन सकता है, तो एक सिनेरियो स्पेशल ये भी आ सकता है। अच्छा, इस वाले के बारे में बताएं, ये कैसे ग्रुप बनाया गया है? इसमें एक्चुअली क्या है, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला, ये चारों कॉर्नर वाले भी आपस में मिलकर ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि सब एडजेसेंट है, आप चेक कर सकते हैं। इस वन का कोड यानी इस सेल का जो भी कोड होगा, इस सेल का जो कोड होगा, इस सेल का जो कोड होगा, वो सारे के सारे एडजेसेंट हो रहे होंगे, तो ये वाला ग्रुप भी परफेक्टली वैलिड है। और ये सबसे ट्रिकी वन होता है, लेकिन ये परफेक्टली वैलिड है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, आगे कुछ एग्जाम्पल में ऐसा ग्रुप भी आ सकता है आपके सामने, तो ये परफेक्टली फाइन है, आप चारों कॉर्नर वालों को मिला के भी एक ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, राउंड वाला कॉन्सेप्ट है, डबल राउंड, वर्टिकल राउंड भी कर दें, हॉरिजॉन्टल राउंड भी कर दें, तो सब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक एक पेपर है, आपने उसको पहले हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया और फिर उसको वर्टिकली फोल्ड किया, तो आप देखेंगे कि चारों कॉर्नर जो हैं एक ही दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक पेपर फोल्डिंग अप्रोच, आपने पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया देन वर्टिकली फोल्ड किया, तो आप देखेंगे चारों कॉर्नर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, बिल्कुल वही अप्रोच है जिस वजह से ये वाला ग्रुप वैलिड है, ठीक है, रैप अराउंड वाली अप्रोच, ठीक है। इस वाले में हाफ फोल्ड हुआ हुआ है, इस वाले में भी हाफ फोल्ड हुआ हुआ है, यानी इसमें आप देखें तो वर्टिकली फोल्ड करा हुआ है, इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया हुआ है, और इसमें दोनों दफा फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो परफेक्टली वैलिड ग्रुप्स बता दिए, सब अलाउ हैं, वैलिड हैं, लेकिन देयर आर सम ग्रुपिंग्स दैट आर नॉट वैलिड, तो वो भी बताया हुआ है कि आप इस तरह के ग्रुप नहीं बना सकते। ये देखें, ये सिक्स वाला ग्रुप अलाउ नहीं है, अभी प्रीवियसली आप पूछ रहे थे ना, तो ये सिक्स वाला ग्रुप गलत है, ठीक है। एल शेप का ग्रुप भी गलत है, एल शेप का ग्रुप नहीं बनेगा। ये डायगनल वाला ग्रुप भी गलत है, ये भी कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एडजेसेंसी नहीं आ रही। ये इस तरह की शेप का ग्रुप भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एडजेसेंसी का रूल ब्रेक हो रहा है। ग्रुप हमेशा जो आपको दिखाई देंगे वो रेक्टेंगुलर टाइप होंगे, रेक्टेंगल में बिलोंग करेंगे और हमेशा इन पावर ऑफ टू हो, अदरवाइज दे आर इनवैलिड ग्रुप। सम एग्जांपल ऑफ इनवैलिड ग्रुपिंग आर दिस, डायगनल में ग्रुप नहीं बना सकते, एडजेसेंट नहीं है, थ्रो इट इज रेक्टेंगुलर इन नेचर, लेकिन ये डायगनल है और इस वजह से एडजेसेंट नहीं हो रहा, ये ग्रुप नहीं बनेगा। ये रेक्टेंगुलर इन नेचर लग रहा है लेकिन पावर ऑफ टू नहीं है, तो ये वाला ग्रुप इनवैलिड है। ये वाला तो पावर ऑफ टू है लेकिन देखें ये रेक्टेंगुलर इन शेप नहीं है, तो ये इनवैलिड है। ये वाला पावर ऑफ टू है लेकिन रेक्टेंगुलर इन शेप नहीं है, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि रेक्टेंगुलर जब आप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजेसेंट सेल को ही कवर करता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर जब आप बनाते हैं तो एडजेसेंट सेल को ही कवर करता है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल या तो हॉरिजेंटली बनेगा या तो रेक्टेंगल वर्टिकली बनेगा, रेक्टेंगल डायगनली नहीं बन सकता। नहीं, ग्रुप तीन का भी नहीं बनेगा, चार का बनेगा, आठ का बनेगा, सोलह का बनेगा या फिर दो का बनेगा, लिखा हुआ ना पावर ऑफ टू, क्या थ्री पावर ऑफ टू में आता है? नहीं आता ना, थ्री पावर ऑफ टू में नहीं आता, पावर ऑफ टू में बनेगा क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा या बाइनरी सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें टू की पावर में करना है जो करना है, ठीक है, बात क्लियर है। ये इनवैलिड ग्रुपिंग्स हैं, तो वैलिड ग्रुप हमेशा रेक्टेंगुलर इन शेप दिखाई देगा आपको और इन पावर ऑफ टू होगा, ये दो रूल्स याद रखने, ठीक है। एक एडिशनल रूल और बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल जब भी बनेगा ना वो या तो हॉरिजेंटली बनेगा या वर्टिकली बनेगा, डायगनली नहीं बनेगा, ये स्पेशल केस है, ये गलती हो सकती है, डायगनल में कभी भी ग्रुपिंग नहीं करनी है, ठीक है। रेक्टेंगल हमेशा हॉरिजेंटली बनेगा या वर्टिकली बनेगा या रैप अराउंड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इनवैलिड ग्रुपिंग्स है, ठीक हो गया, ये क्लियर है। चलें पेज को थोड़ा फास्ट करते हैं।
और मेरे ख्याल से यहीं पे ही हमारा लेक्चर कंक्लूड। तो इस लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो पूछ ले, वरना मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। चलें, तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।